और डिसऑर्डर्स में लास्ट इज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो सबको पता है क्या होता है, क्या होता है? हड्डी का टूटना, है ना। एनी ब्रीच और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, जो बोन की कंटिन्यूटी है उसमें किसी भी तरह का कोई ब्रेक, इतना सा ही लिखना है। इंजरी, हाँ सिर्फ लिगामेंट में ही होगा, टेंडन नहीं होगा। फ्रैक्चर एनी ब्रेक, ब्रेक के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ब्रीच, कई बार पूछा जाता है। एनी ब्रेक और ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, टाइप्स में बहुत सिंपल बताऊंगा, इजिली याद रह जाएंगे। सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर, डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ नाम लिख लो, क्योंकि अपने सिलेबस में ऐसा सच है नहीं। पहले स्टेट पीएमटीज में क्वेश्चन आते थे, 2014 के पहले तक नीट में भी आते थे, जब तक एआईपीएमटी हो रही थी। पिछले 6-7 सालों में यहाँ से नहीं आए हैं क्वेश्चन, बट कभी भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पुराने में से उठकर आ सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। अब मजबूरी ये हो गई है कि भाई बायोलॉजी में जब तक 340-330 नंबर नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा लाने पड़ेंगे, तब तक सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, और उसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी आउटसाइड एनसीईआरटी। कई बार एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन प्लस थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन बन रहे हैं, और वो जो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं के लिए हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ही, है ना, तभी जाकर हम उस मार्क तक पहुंच पाएंगे। तो नाम नाम लिख लो, बाकी मैं अभी समझाऊंगा, उसे याद रह जाएगा। सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर, ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, तीसरा कम्यूनिटेड, कम्यूनिटेड फ्रैक्चर, एंड लास्ट ग्रीन स्टिक, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। समझ लेंगे चारों टाइप को। सबसे पहले है सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर, एग्जाम्पल से देखेंगे। सपोज करो मेरी किसी से लड़ाई हो गई, उसने गुस्से में जोर से एक लाठी ली, डंडा लिया और मेरे हाथ पे बहुत जोर से मार दिया, मेरी हड्डी टूट गई। इस केस में क्या चांसेस हैं? क्या मेरी स्किन वगैरह में कट लगेगा क्या? नहीं, है ना, कम चांसेस हैं। लकड़ी की डंडे से मारा, लकड़ी के डंडे से मारा है, लेकिन अंदर की हड्डी टूटी है। तो क्या अंदर जो हड्डी टूटी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो कैसा फ्रैक्चर हो गया? क्लोज्ड। जब तक फ्रैक्चर क्लोज्ड है, मतलब ऊपर स्किन वगैरह सारी है, कट नहीं लगा है और अंदर का टूटा हुआ पार्ट बाहर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, इट विल बी कॉल्ड ए सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर। उसकी जगह सेम लड़ाई में उसने डंडे की जगह तलवार यूज़ करी, काटा, जोर से मारा, स्किन भी कटेगी, टिश्यू भी कटेगा और बोन भी टूट गई, फ्रैक्चर भी हो गया है। तो उस केस में ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर क्योंकि कट भी लगा है और वहीं फ्रैक्चर भी हुआ है, तो फ्रैक्चर्ड पार्ट बाहर के कॉन्टैक्ट में आएगा, दैट विल बी नोन एज ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। तीसरे केस में क्या हुआ? सपोज करो मैं चलते चलते गिर गया और अचानक से एक ट्रक का टायर मेरे पैर पे से निकल गया। उस केस में मेरे पैर की हड्डी के 2 या 3 टुकड़े होंगे या चूरा होगा? चूरा होगा, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, क्या कहलाएगा? कम्यूनिटेड फ्रैक्चर, है ना, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाए, कम्यूनिटेड फ्रैक्चर। लास्ट ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में मिलता है,